सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करें। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एमएस वर्ड में हम किस तरीके से ट्रिक्स के जरिए कुछ सिंबल्स को अप्लाई करके हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक पीडीएफ दी गई है जो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, हो सकता है आपको बाद में इसकी ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम किस तरीके से ट्रिक्स यूज़ करेंगे एमएस वर्ड में। यहाँ पर जैसे आपको पहले कॉलम में सीरियल नंबर अप्लाई कर रखा है, यहाँ पर आपको सेकेंड कॉलम में दे रखा है प्रेस 3 times, यानी कि आपको जो नीचे की तरफ सिंबल दिख रहे हैं वो आपको डॉक्यूमेंट में 3 times तक प्रेस करने हैं और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर थर्ड कॉलम में सिंबल का नाम दे रखा है, अगर आपको इस सिंबल के नाम में प्रॉब्लम हो तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको दिया है जो है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड के वहाँ पर नेम ऑलरेडी मेंशन है, आप इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरीके की आपको यहाँ पर लाइन शो करेगी। अगर हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं जो हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें इस तरीके की डार्क लाइन शो करेगी। यहाँ पर अगर हम 3 times हैश प्रेस करते हैं तो एंटर करने पर हमें इस तरीके से एक लाइन दिखाई देगी जो हम बायोडाटा वगैरह में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर 3 times हम टिल्ड सिंबल को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर वेव तरीके से आपको लाइनें दिखाई देंगी। 3 times अगर आप स्टार प्रेस करते हैं तो आपको डॉट डॉट्स की लाइन दिखाई देगी, और अगर आप 3 times माइनस अप्लाई करके एंटर करते हैं तो आपको इस तरीके से एक लाइन दिखाई देगी जो यहां से पीछे वाली लाइन से थोड़ी सी लाइट होती है। तो इस तरीके से हम सिंबल्स का यूज़ करके लाइंस को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और भी यहां पर कीज़ दी गई हैं, जैसे आप 2 times इक्वल के साथ जैसे ही ग्रेटर देन का सिंबल दबाएंगे तो आपको इस तरीके का सिंबल वहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे ही आप 2 times माइनस करके ग्रेटर देन का सिंबल दबाएंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके का सिंबल दिखाई देगा, और अगर आप लेस देन के साथ इक्वल का सिंबल दबाकर जैसे ही स्पेस दबाएंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके के सिंबल्स शो होंगे। तो ये ट्रिक्स है, आप इस जरिए इस शॉर्टकट की के जरिए आप वहाँ पर सिंबल को चेंजेस कर सकते हैं। आपको ज़्यादातर इन सिंबल्स को ढूंढने की ज़रूरत पड़ती होगी, आप इनको बना भी सकते हैं। यहाँ पर एक और सिंबल है, जैसे कॉलन के बाद हमने क्लोज पैरेंथेसिस का सिंबल दिया तो यहाँ से ये स्माइली सिंबल बन जाता है, एंड अगर हम कॉलन के बाद ब्रेसिस जो करली आपका पैरेंथेसिस होता है उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से वो सेट सिंबल दिखाई देगा। एक और अच्छी चीज़ है यहाँ पर, जैसे आप कॉलम्स या रोज बनाते हैं टेबल में तो यहाँ पर आपको टेबल पर जाने की बजाय आप जैसे ही प्लस के साथ माइनस माइनस देंगे, ये माइनस का मतलब है यहाँ पर गैप से, तो जितने आप माइनस देंगे उतने कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको एक टेबल बन जाएगा स्ट्रक्चर, एंड देन आप उसके बाद टैब दबा दबा के उसमें रोज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये थी छोटी हमारी यूज़फुल कीज़। इसके बाद और भी बात करते हैं यहाँ पर अदर यूज़फुल कीज़ की। जैसे आप कोई रैंडमली पैराग्राफ पर वर्क करना चाहते हैं तो वहाँ पर इक्वल टू रैंड लेकर आप एक रैंडम डाटा ले सकते हैं और उस पर अपने कमांड्स को अप्लाई कर सकते हैं। उसी के बाद वहाँ पर अगर आप ऑल्ट बटन से सिलेक्शन करते हैं माउस से तो वहाँ पर आप रैंडमली डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे किस तरीके से सारी कीज को हम अप्लाई करके देखेंगे 1 by 1। और अगर हम कंट्रोल स्पेस बार दबा दें तो जो भी हमारे पेज पर हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है उसकी सारी फॉर्मेटिंग वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी। एक और अच्छी कीज़ है, एक अच्छी ट्रिक्स है कि हम अगर कहीं भी लिखना चाहते हैं और हमारा कर्सर सपोज ऊपर की तरफ है तो जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो हम पेज के किसी भी हिस्से में लिख सकते हैं मार्जिन एरिया के अलावा। और जो लास्ट यहां पर आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूं वो है सेव करते वक्त अपनी फाइल में पासवर्ड लगाना। तो जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस प्रेस करते ही आपके सामने यहां पर एक ऑप्शन आएगा, जनरल ऑप्शन। तो सेव करने से पहले आप वहाँ पर अगर पासवर्ड डाल देंगे तो सेव करने के बाद अगर आप उसे रीओपन करते हैं तो वहाँ पर वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो ये थी ट्रिक्स, हम इसको देखते हैं किस तरीके से प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे।
यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हमने डबल क्लिक कहीं भी हिस्से पे करा तो हम देखेंगे कि कर्सर ऑटोमेटिकली वहीं जा रहा है, यानी कि हमें एंटर प्रेस करके जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे ही माउस से डबल क्लिक करेंगे तेज़ी के साथ तो वहाँ पे कर्सर हमारा ऑटोमेटिकली चला जाएगा। एक और चीज़ की हम अगर यहाँ पर पाउंड सिंबल दबाते हैं, हैश सिंबल दबाते हैं 3 times तो एंटर करने पर हमें वहाँ पर वो लाइन दिखाई दे जाएगी, जो भी मैंने आपको ऊपर PDF में बताया था पीछे, वो आप उससे बना सकते हैं। 3 आप अगर स्टार का साइन दबाते हैं और एंटर करते हैं तो इस तरीके से आप लाइंस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइल में पासवर्ड की बात करें तो जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जनरल ऑप्शन के अंदर पासवर्ड टू ओपन पे हमने यहाँ 123 एक पासवर्ड दे दिया है 123, और जैसे ही हम इसे सेव करेंगे डॉक्यूमेंट नंबर 8 नाम से, और अगेन हम इसे क्लोज करके जब ओपन करेंगे, क्योंकि हमें पहले फ़ाइल को करना होगा क्लोज, तो जैसे ही हम अपनी वर्ड की फ़ाइल को फिर से रीओपन करेंगे तो यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा पासवर्ड, यानी कि हमारी फ़ाइल अब हो चुकी है प्रोटेक्ट। तो इस तरीके से आप वो कीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पे सिंबल्स जो हमने बात करी थी कॉलन देन क्लोज पैरेंथेसिस, तो इस तरीके से यहाँ पर सिंबल्स वगैरह जो PDF में आपको मेंशन है आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस ट्रिक्स के ज़रिए आप जल्दी से इजीली MS Word पे वर्क कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी की वीडियो के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।